सो वेलकम बैक एवरी वन एंड ये है हमारा नेक्स्ट डे का मॉर्निंग व्यू. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ हम लोगों ने लंच किया था अपना बैठ के लास्ट डे. एंड सो आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दिस सनराइजिंग व्यू. आई मीन दिस इज़ मेसमराइजिंग. आई जस्ट लव द प्लेस, आई जस्ट लव द वाइब्स एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल, सो पीसफुल. सो अभी सनराइज़ होना स्टार्ट हो गया है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे. थोड़े से क्लाउड हैं तो छुप जाता है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बौछार है. आई थिंक व्हाट एल्स यू नीड, दिस इज़ इट. एंड यहाँ पे हमारी जैस्मिन अपने फ़ोटो सेशन कराती हुई, साथ ही उसकी यहाँ पे मॉर्निंग के लिए वो रेडी हो चुकी है. वी आर रेडी टू मूव नाउ. एंड यहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे जो यहीं पे स्टे कर रहे थे, तो उसने अपने फ्रेंड्स बनाए, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स वीडियोज़ क्लिक कराई और हम लोगों ने भी कुछ अपने फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे क्लिक कराए. और ये उसके मामा मामी. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आज 1 अगस्त है एंड आज मेरे भाई का बर्थडे होता है. तो वी आर कलेक्टिंग सम मेमोरीज, सम फोटोग्राफ्स, सम वीडियोस. एंड ये हमारी जैस्मिन और ये है मेरी भाभी. तो अब हम निकल चुके हैं होटल से चेकआउट करके. और कसौली में ही एक प्लेस है, एक पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, तो वहाँ के लिए हम लोग निकल रहे हैं अभी. तो जैसा कि मैंने बताया, आज भाई का बर्थडे भी है तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल होने वाला है आज रात को. तो हम लोग निकल चुके हैं और ये है यहाँ का सनराइज पॉइंट, बहुत खूबसूरत है. हालांकि हम थोड़ा लेट हो गए थे पहुँचते, तो वैसे हमने सनराइज़ जो है वो अपनी बालकनी से देख लिया था. तो क्योंकि यहाँ पे क्लाउड होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो सनराइज़ ऐसे भी नहीं दिखेगा. तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, उतनी भीड़ नहीं है, उतना रश नहीं है. एंड ये मेरे हस्बैंड और जैस्मिन सो गई गाड़ी में, तो अभी वो सो रही है. तो हम लोगों ने यहाँ पे केक कटिंग किया और अगेन कलेक्टिंग सम मेमोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरीज. और ये मेरे हस्बैंड जैस्मिन और मेरा छोटा वाला भाई, और ये मेरा आशीर्वाद लेता हुआ अपने बर्थडे पे. और फिर हम लोग यहाँ से निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है कसौली में, बट हमने वो पिक्चर्स में देखा, वो काफ़ी छोटा सा वाटरफॉल है तो हम लोगों ने स्किप कर दिया वो. अदरवाइज आप अगर जा रहे हैं तो आप वाटरफॉल भी देखने जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. तो अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर 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 देखिएगा. एंड अभी मेरे जो हस्बैंड है वो, हम लोग बैक सीट पे आ गए हैं, मेरा जो भाई है वो ड्राइव कर रहा है, और हमारी जैस्मिन को देखिए, उसको हवा के मज़े लेने हैं, उसको जो हमने जो शीशा डाउन कर दिया और उसके बाद जो इतनी ठंडी इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी. एंड हियर इज़ माय जैस्मिन, वो बहुत एक्साइटेड थी, वो उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. इनफैक्ट हम सब ने इंजॉय किया, बट उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जो उसको देख के हमें लग रहा था. तो हियर वी आर. ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो एक्चुअली सोलन है. कसौली से जो सोलन है वो 28 किलोमीटर्स की दूरी पे है. अराउंड आपको 1 आवर लग जाता है वहाँ पे पहुँचने में. तो बहुत अच्छा सफ़र था वहाँ का जो रूट है वो बहुत खूबसूरत था. तो बेसिकली चैल और जो सोलन है वो अलग अलग रूट निकलते हैं, तो हम लोगों ने जो रूट किया वो सोलन का लिया. तो चैल हमने नेक्स्ट डे के लिए रखा, तो हमने जो बर्थडे सेलिब्रेट करना था वो सोलन में करना था, तो हम लोग वहाँ के लिए निकले. चैल से ज़्यादा दूर नहीं है और कसौली से भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग उस तरफ निकले. और वेदर जो आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, कभी डार्क हो रहा था, कभी लाइट हो रहा था, कभी धूप आ रही थी, तो इस तरीके से थोड़ी सी बारिश भी हुई बीच में, बट ज़्यादा हमें इतनी परेशानी नहीं हुई क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही थी. तो हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने ये रूट फॉलो किया. डेस्टिनेशन जो है वो बहुत खूबसूरत होने वाली है, उसकी बुकिंग हमने एक दिन रात को ही करवा ली थी बिकॉज सबको सोल्ड आउट मिल रहा था. और ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन. जी हाँ, ये है बंजारा हिल माउंटेन करके एक रिजॉर्ट टाइप से है, बहुत खूबसूरत है. इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाने वाली हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता लगे कि आपको कहाँ रुकना चाहिए, और यहाँ की खूबसूरती मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने ब्लॉग में.
तो यहाँ पे हम लोगों ने, अभी मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ, इसका ओवरलुक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है। एंड बेस्ट बात पता है इसमें क्या था, यहाँ पर कोई भी नहीं था, वी आर दी ओनली वन जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया, वी आर टू फैमिली हेयर। और ये हमारी जैसलिन, हम लोग थक गए थे तो हमें लंच करना था। जैसलिन एज यू ऑलवेज नो कि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो वो कहीं पे भी, गाड़ी के अंदर हो, होटल में हो, रूम में हो, बाहर हो, कहीं पे भी जो चालू हो जाती है तो वो अपना पेंटिंग कर रही है। इससे बच्चों को और ज़्यादा हेल्प मिलती है इंगेज रहने में। और हम लोगों ने अपना फिर लंच जो है वो ऑर्डर किया, यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो रूम टूर के बाद मैं आपको आउटसाइड दी रूम आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का व्यू है, जैसे कि थोड़ा ये डाउन एरिया में है तो यहाँ पे धूप आ जाती है और ज़्यादा, मतलब इट वाज अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, बट उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, यहाँ पे चिल नहीं है। एंड आप देख रहे होंगे इसकी खूबसूरती, यहाँ पे फ्लावर्स बहुत सुंदर फ्लावर्स थे, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, तो मैंने इसकी पिक्चर्स बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं, जो आपने, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। और नाउ वी आर रेडी टू स्विम। तो हम लोग यहाँ पे, एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी स्टे नहीं कर रहा, वी आर दी ओनली वन, तो हम लोगों ने स्विमिंग पूल यूज़ करने का डिसाइड किया। अदरवाइज तो कोविड में अलाउड नहीं है स्विमिंग पूल्स, बट हम लोग दो ही फैमिली हैं तो इसलिए हम लोगों के लिए अलाउड था। तो हम लोग स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, जैसलिन सिंह बाय, एंड स्विमिंग पूल देख के तो बस ये रुकती नहीं है, तो ये सीधा पहुंच गई अपने आप ही स्विमिंग पूल पे। और हम लोग अब पानी में कूद चुके हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक स्पेशल फील आ रही थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि हमने खुद ने इसको प्राइवेटली बुक किया है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और कोई भी नहीं है दूर दूर तक। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। इनफैक्ट आप, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हम अपने जैसलिन का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करने का प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए आई एम टेलिंग यू बहुत 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 बेस्ट ऑप्शन है ये। तो आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपना कुछ पर्सनल इवेंट, बहुत अच्छी जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। तो हम लोग स्विमिंग पूल में बहुत मज़े किए। इनफैक्ट जैसलिन ने तो डिसाइड किया था वो स्विमिंग पूल से बाहर ही नहीं निकलेगी, और ये मेरा भाई और भाभी, yes it's your birthday and some photographs। और अब बारी मामू के साथ, मामू के साथ इसने बहुत इंजॉय किया। जैसे मैंने बताया जैसलिन ने बहुत फन किया है वहाँ पे, तो उसको सबसे ज्यादा स्विमिंग बहुत ज्यादा पसंद आई और बार बार मुझे बोलती मामा मुझे देखो, मामा मुझे देखो। मिट्टू बोलो मामू हैप्पी बर्थडे। वेरी गुड। सो हमारा स्विमिंग फन जो है वो ख़त्म हो चुका है अभी, तो हम लोग रात की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं अब। तो देखते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने रात को क्या प्लान किया और किस तरीके से सेलिब्रेट किया अपने भाई का बर्थडे।